राज्यना लोकोने हवे गर्मीथी राहत मळशे। हवामान विभागे वरसादने लईने आगाही करी छे। महत्वनुं छे के राज्यमां 7 दिवस छूटो छवायो वरसाद रहेवानी आगाही कराई छे। वरसाद समयसर 15 जूने आववानी आगाही करवामां आवी छे। तो दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छमां वरसाद पड़ी शके छे। 5 दिवस केटलाक विस्तारमां थंडरस्ट्रोम एक्टिविटीनी पण आगाही करवामां आवी छे। तो दक्षिण गुजरात तरफ साइक्लोनिक सर्क्युलेशनना कारणे वरसादी माहोल सर्जाशे। तो 3 दिवस सुधी साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सक्रिय रहेशे। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए प्रकाश दिया गया है, टेबल से लेकर डे 7 तक गुजरात रीजन के आइसोलेटेड प्लेसेस के लाइट रेड लाइट टू मॉडरेट रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया है, और सौराष्ट्र रीजन के डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 में लाइट टू रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया है। गुजरात रीजन में जहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस के लाइट रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया है, डे 1 और डे 2 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लाइट रेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट है वलसाड, नवसारी, टोंक, दमन, दादरा नगर हवेली, दाहोद और छोटा उदयपुर, और डे 2 के लिए भी दाहोद, छोटा उदयपुर, वलसाड, नवसारी, टोंक, दमन और डीडीएनएच है। और डे 3 की बात करेंगे जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और वलसाड, नवसारी, टोंक, दमन, डीडीएनएच है। और डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है, और नॉर्थ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर। और डे 5 की बात करेंगे तो डे 5 में जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है जिसमें गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, और नॉर्थ गुजरात के गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर हैं। और डे 6 और डे 7 में गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है।